तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं दो बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट और उनसे रिलेटेड नेम रिएक्शंस। एक है क्लिमेंसन और दूसरा है वुल्केशनर रिडक्शंस। दोनों का ही काम कार्बोनाइल कंपाउंड को रिलेटेड एल्केन में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रही है? तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठाएंगे कि इसके अंदर रिएक्टेंट जो होगा वो आपके पास अलग-अलग होंगे दोनों में। एक में सब्सटेंस जो होगा वो कार्बोनाइल में कीटोन एल्डिहाइड होगा, दूसरे में भी कार्बोनाइल कीटोन होगा, दोनों में ही प्रोडक्ट एल्केन होगा। यानी दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बस रिएजेंट अलग अलग है। तो रिएजेंट अलग अलग है तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये कार्बोनाइल है, जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? एल्केन। यहाँ वुल्फ किशनर है, यहाँ पर भी कार्बोनाइल है, NH2 के साथ एल्कली मीडियम KOH के साथ रिएक्शन कराई और फाइनली फाइनल प्रोडक्ट आपका एल्केन है। यानी दोनों सेम सब्सटेंस सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन रिएजेंट अलग अलग हैं, इसीलिए इनके नाम भी अलग अलग हैं। तो चलिए देखते हैं इसने कैसे नाम रखा। इसने अपना नाम रखा जस्सी से, जे जैसे मतलब जिंक अमलगम और सी से मतलब क्लिमेंसन रिडक्शन। इज दैट क्लियर? तो ये तो हुआ जस्सी, जिंक अमलगम के साथ HCl लेने पर कार्बोनाइल सीधा किसमें चेंज हो जाता है? एल्केन में। बोलो क्लियर है? और यहां पर आपके पास कार्बोनाइल NH2 के साथ किसमें हो जाता है? सीधा एल्केन में। समझ में आ रहा है? यहां पर भी एल्केन में, लेकिन यहां पर मीडियम क्या है? बेसिक है। और इसी के लिए मैंने हवा रखा है। हवा का मतलब, H का मतलब हाइड्रोजन और V का मतलब वुल्केशनर। तो हवा हवा आई, जस्सी जैसी कोई नहीं। तो जिंक अमलगम HCl के साथ हवा हवा हाइड्रोजन वुल्केशनर, ठीक है। और ये क्लेमेंसन। अब मैकेनिज्म किस तरह से, ये कार्बोनाइल है, H प्लस है, H प्लस को जहां लोन पेयर देखा वही मुंह मारेगा। तो ये H प्लस ने क्या करा, ऑक्सीजन के ऊपर गया, ऑक्सीजन पे प्लस आया, बॉन्ड शिफ्टिंग, कार्बन पे प्लस आया और कार्बन पे प्लस आते ही जिंक ने Zn+2 में चेंज करके दो इलेक्ट्रॉन दिए। तो जो कार्बो कैटायन है वो कार्बो एनायन में चेंज हो गया। फिर कार्बो एनायन ने एच प्लस एसिडिक मीडियम से एच लिया और किस में चेंज हो गया? डायरेक्ट नॉर्मल हाइड्रोजन हो गया। और अब फिर वापस ये हाइड्रोजन इस पे आया ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये ऑक्सीजन के पास वापस प्लस आया और उसने अपना बॉन्ड तोड़ दिया। इस तरह से कार्बन पे वापस प्लस आया और कार्बन पे प्लस आते ही जिंक ने वापस दो इलेक्ट्रॉन दिए, जैसे वो कार्बो एनायन बन जाए। कार्बो एनायन वापस क्या करेगा? एच प्लस लेगा और फाइनली किस में चेंज हो गया? एल्केन में। तो जो आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा था वो अब किस में चेंज हो गया? एच एच में। तो यहाँ आपको अच्छे समझ में आ गया जिंक का क्या रोल है और एच प्लस का क्या रोल है, ठीक है। और कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन सिस्टमेटिक चले, इसलिए हम प्योर जिंक नहीं लेके उसका एलोय जिंक अमलगम ले लेते हैं, यानी कि जिंक प्लस मरकरी। दूसरी तरफ जब हम हवा को देखते हैं, हवा का मतलब हाइड्रोजन और वुल्केशनर, तो हम क्या देखते हैं कि यहां मैकेनाइज कार्बोनाइल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दोनों हाइड्रोजन सीधे इस कार्बोनाइल से अलग होकर H2 निकाल देते हैं और यहां पर हमारे पास अटैच हो जाता है। ये रिएक्शन हाइड्रोजन ही नहीं, कोई भी N और N के बाद यहां पर कोई भी ग्रुप हो, R एल्काइल कुछ भी हो, ठीक है ना, ये रिएक्शन सीधा ऐसे ही होता है। उसके बाद बस मीडियम एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम ये दूसरा नाइट्रोजन का क्या कर लेगा? हाइड्रोजन ले लेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा, रेजोनेंस होगा, ये इस तरफ, तो वो नेगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? कार्बन पे। और कार्बन पे उसी समय कोई भी बेस या H2O अपना एच दे देगा और एक तरह से हमारे पास ये बन गया। फिर OH आएगा और OH आके इस हाइड्रोजन को लेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, बॉन्ड रेजोनेंस होगा, शिफ्टिंग होगी, ये अलग हो जाएगा और N2 अच्छे से लिविंग ग्रुप करके निकल जाएगा। और कार्बन पे क्योंकि नेगेटिव है वापस वो हाइड्रोजन लेगा और फाइनली आपके पास दोनों ही एनायन दो बार बना और दोनों ही बार हाइड्रोजन ने अटैक करके उसको न्यूट्रल कर दिया। तो देखा क्या आपने, एक कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली दो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया इन दोनों ही रिएक्शन में। तो यहां पर बेस सेंसिटिव, क्योंकि बेस है तो बेस सेंसिटिव ग्रुप का ध्यान रखना है, यहां पर एसिड है तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप का ध्यान रखना है। अब एसिड सेंसिटिव ग्रुप कौन से होते हैं? ROH। ROH में अगर आप जानते हो अच्छे से, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, कंसंट्रेटेड एसिड ले रहे हो, समझना, तो ये क्या बना लेगा? एल्कीन। तो OH नहीं होना चाहिए। अच्छा, एल्कीन भी मतलब क्यों? क्योंकि एल्कीन हाइड्रोहेलोजिनेशन दे देती है और एल्कोहल डिहाइड्रेशन दे देता है। यस और नो? एल्काइन क्या देती है? हाइड्रोहेलोजिनेशन। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप ऐड करते चले जाएंगे। और इथर जो लिया है,
ये क्या दे देती है, ये पहले अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड दे देती है आपने पढ़ा है मेरे से, और बाद में बचा हुआ अल्कोहल भी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यही पढ़ा है आपने। तो ये कुल एसिड सेंसिटिव है जो एसिड के साथ अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं, आपने पढ़ा है। इधर बेस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, हेलोजन यानी एल्काइल हैलाइड, अगर एल्काइल हैलाइड है डिहाइड्रेशन हाइड्रो हेलोजिनेशन देखिए क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। एसिड हैलाइड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रह देगा यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, एस एन ए आर ए आर एस एन एडिशन ए ई एडिशन एलिमिनेशन। एस्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि सीधा जो भी ओएच है वो आएगा और एस्टर वाला पार्ट निकल जाएगा दूसरा वाला, तो एस्टर भी नहीं होना चाहिए आर, और एनहाइड्राइड भी नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारे पास सब एलिमिनेशन रिएक्शंस देने को तैयार है। तो कुल मिला के ये हमारे पास दोनों रिएक्शन हो गई, एक क्लेमेंसन और एक वोल्केशनर, याद करना आसान होना चाहिए ठीक है। हम इस पर डिस्टिंग और एग्जाम्पल करेंगे, लिखें इसको। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्या यहाँ पर ईन है जिसका हाइड्रेशन हुआ है, एक तरफ ओ एच लगा है एक तरफ एच लगा है, समझना। तो बताइए इस जगह ऑक्सीडेशन हुआ है और इस जगह क्या हुआ है, रिडक्शन। तो नेट कंपाउंड का कुछ भी नहीं हुआ है, दिमाग में बिठा के चले, इस तरफ इसका कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ यहाँ इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है वो चीज आप दिमाग में बिठा के चले। आगे इस जगह वापिस ओएच में चेंज हुआ है तो फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ है, हाँ या ना। इस तरफ देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन इसमें चेंज हुआ है तो फिर ऑक्सीडेशन, फिर एक और हाइड्रोजन चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन, फिर एक और चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन, और बैक में जाओगे रिडक्शन हो रहा है एक तरफ। तो कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है कहां रिडक्शन हो रहा है ये आपको समझने में आना चाहिए। अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन, और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है रिडक्शन, और वो आप निकालना जानते ही है। तो कुछ रिएजेंट है जो कार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं, कुछ रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन वाले हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन वाले पढ़ने हैं। तो KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक और बेसिक दोनों में ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है, बस अंतर यह है कि बेसिक मीडियम में थोड़ा सा वीक पड़ जाता है और एसिडिक मीडियम में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और सेंसिटिविटी को भी देखना पड़ता है हमारे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास एल्कीन है, अगर मैंने KMnO4 के साथ एल्कली मीडियम रखा और टेम्परेचर कम रखा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ओएच ओएच आएगा, इज दैट क्लियर। और ये एडिशन जो होगा सेम होगा, यानी दोनों ओएच सेम डायरेक्शन में आएंगे। दूसरी तरफ यही एल्कीन है और आपने मीडियम एसिडिक रख दिया, समझ में आ रहा है। तो जैसे ही आपने मीडियम एसिडिक रखा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और कीटोन बनेगा आपके पास, अंतर दिख रहा है, वहां ओएच ओएच था यहाँ पर कीटोन कीटोन, इस तरह से। मतलब ये समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी कि ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओएच और ओएच, एक ही कार्बन पे दो ओएच क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल, तो कीटोन बन गया, समझ में आ गई। तो यहाँ एक तरह से आर आर है, लेकिन अब इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि अगर कहीं पर भी आर के साथ की जगह एच आया तो वह एच भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, ओएच। तो यहां पर भी ये किसमें हो जाएगा, ओएच। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो दोनों तरफ ओएच ओएच आ जाएंगे, ये डबल बॉन्ड की जगह ओ आ गया, और ये एच एक ही कार्बन पे दो एच ओएच स्टेबल नहीं है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, CO2 में, H2 निकाल के, बाकी नॉर्मल बात है। नॉर्मली नॉर्मल टेम्परेचर पर आपके पास एल्काइन रिएक्शन नहीं करेगी, नहीं करेगी, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर करोगे आप तो ये भी टूट जाएगी और फिर क्या हो जाएगा आपके पास, 10, कोई डाउट नहीं है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ज़्यादा ज़्यादा आपके पास जो रिएक्शन बनेगी वो ये हो जाएगी, एक बाई बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये बनने के चांसेस है, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर रख दोगे ये बन जाएगा, अच्छे से क्लियर है। तो आपके वैसे पाई बॉन्ड टूटेंगे उसके बाद नहीं टूट पा रहा है, नहीं हाई टेम्परेचर करते वो भी टूट गया तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, ओएच ओएच। तो यहां आपको डाई कार्बोनाइल कंपाउंड मिल रहा है या डाई कीटो मिल रहा है, इज दैट क्लियर। बाकी सब जगह तो आपके पास क्लियर है ही कॉन्सेप्ट्स, तो ये लिख लें। कुछ एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ आपके साथ, तो
तो चलिए इन पे अगर डिस्कस कर लेते अपन तो अच्छा रहेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया, तो बताइए KMnO4 ले लिया मैंने और मैंने लिख दिया एसिडिक मीडियम, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये लो मैंने यहां पर CH2 कर दिया, अब क्या बनाएगा? रिंग. पहले तो आपके पास ये वाला देखो इस तरह से OH 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 OH, देखना OH OH C OH 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 इस तरह से देख लो, और अब ऐसे निकालना चालू कर दो. तो जितना निकाल सकते हो, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है इस जगह? तो ये आपको इस तरह से डिसाइड करना है. पक्का? क्या यहां पर हाइड्रोजन है? एक बोलो यस और नो. तो ये भी OH में कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर? लिखें इसको.